पाशा बेगम का इकबाल बुलंद हो। पाशा बेगम, मोहब्बत खान आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। बुलाइए। जी। आइए मोहब्बत खान, कहिए अपनी पाशा बेगम से आप क्या चाहते हैं। चिंता मत करिए, क्योंकि आपने मेहरुन्निसा नाम की चुड़ैल को हमारे पति से दूर करके हमारा मान रखा था। कहिए। जगत, पाशा बेगम, दरअसल हम जानना चाहते थे कि बादशाह किसे अपना वजीर आजम बनाएंगे, कोका को या हमें। तो ये बात सता रही है आपको? हम अपने बादशाह से आपके विषय में अवश्य निवेदन करेंगे, ये तो बड़ा मामूली सा काम है। परंतु एक काम है मोहब्बत खान जो हमसे नहीं हो पा रहा। आप बस हुक्म करें। हमें खबर मिली है कि हमारे बादशाह नीसा से आजकल जनाने में मिलने लगे हैं, और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके हृदय में आज भी इस औरत के लिए प्रेम है। हमारी इच्छा है कि इस औरत को या तो लाहौर से बाहर फेंक दिया जाए या मरवा दिया जाए। ये तो नामुमकिन है। अच्छा, परंतु अभी तो आप सर झुकाकर हुक्म करें कह रहे थे, और अब ये काम नामुमकिन हो गया। लगता है वजीर आजम बनना नहीं चाहते आप। जी, जहांगीर अब बादशाह बन चुके, ऐसी हालत में नीसा को मारना मुश्किल है, और वैसे भी उसके शौहर को उसकी गलती के लिए मौत की सजा तो मिलेगी, उसके बाद तो वो बेवा हो जाएगी, क्या इतना काफी नहीं है? वाह, क्या सलाह दी है। और फिर विधवा होकर विधवाओं के साथ ही हमारे जनाने में आकर रहने लगेगी, और हमारे पति के और पास पहुंच जाएगी। अपने पति के कब्र पर मिट्टी डालते डालते वो हमारे पति पर डोरे अवश्य डाल चुकी होगी। याद रहे, अली कुली पर किसी भी कीमत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसी सूरत में तो उसकी सजा कोई और ही होनी चाहिए। इसी में हमारा हित है और आपका भी। समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? यहां पना, कितना मजा आ रहा है आपको इस नाम से पुकारने में। वैसे आपने हमारी और महावत की दरबार में जगह के बारे में कुछ सोचा है? अगर आप कोका को वजीर आजम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं। मैदान जंग में उनका जौहर और उनका तेज दिमाग वजीर आजम के लिए उन्हें सही उम्मीदवार ठहराता है। और आप महावत को अगर वजीर आजम बना देंगे तो हम बेहद खुश होंगे, उनकी काबिलियत की काफी कदर है हमें। आप दोनों को हमारा फैसला कल मिल जाएगा। फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि गद्दारों और दगाबाजों का क्या किया जाए। बादशाहत की शुरुआत में इतना सख्त फैसला लेना शायद अच्छा ख्याल नहीं है हुजूर। जिस तरह हमारा दरबार बना हुआ है, इन दगाबाजों के वफादार दरबार को दो हिस्सों में बांट देंगे। इसीलिए हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं, ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा करने की कोशिश भी ना करे। अगर ऐसी बात है तो बड़े नुमाइंदों को कैद खाने में छोड़कर छोटे सिपाहियों को
मार दिया जाए। महाबत, क्या आप कोका की बात से सहमत हैं? हमारे ख्याल से आपको वही करना चाहिए जो आपके अब्बू ने किया होता, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जैसे फैसले आप करेंगे वो आने वाले वक्त में आपके लिए एक मिसाल पैदा करेंगे। लोग आपकी हुकूमत को उसी नजरिए से देखें। इस वक्त सबको मार गिराना शायद सही फैसला ना हो। शेर अफगान के बारे में क्या सोचा है हुजूर? शेर अफगान को तो हम जिंदा नहीं छोड़ने वाले। हमारे ख्याल में ये करना सही नहीं होगा। आपको याद है कि आपके अबू ने उसे ये ओहदा इनाम क्यों दिया? सब जानते कि उसने आपकी जान बचाई थी। तो फिर ठीक है, हम उससे उसके सारे मनसब छीन कर उसे लाहौर के कैद खाने में कैद करवा देंगे। लाहौर में क्यों? किसी दूर दराज के जिले में उठाकर फेंकवा दीजिए उसे। नहीं, हम उसे लाहौर में ही कैद करके रखेंगे ताकि आप उनकी बेगम के करीब रह सकें। इस वक्त आपको अपनी रियासत में हर एक खासो आम का भरोसा, उनकी मोहब्बत, उनकी दुआ लेने की जरूरत, क्योंकि आप मरहूम मुगले आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जगह लेने जा रहे हैं, इसी एरे गेरे की नहीं। इस सल्तनत के हर एक खास आम को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारी जिंदगी पर आपका कर्ज है। अब्बू की गोद से लेकर जनाने की चार दीवारी तक, इस शाही किले के रास्तों से लेकर हर आम गली के चौराहे और नुक्कड़ तक इस सल्तनत ने हमारी हर गलती को माफ किया, संवारा, तराशा। एक जिद्दी और गुस्सैल शहजादे को वक्त की आंच पर तपते हुए देखकर उसे बादशाह में तब्दील होने की दुआ दी, और आज हम अपनी बाकी बची जिंदगी और अपनी आखिरी सांस तक इस सल्तनत की मिट्टी और इस सल्तनत के हर एक बाशिंदे की जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने अब्बू के कदमों पर चलने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमारा वजूद, हमारी ताकत और हमारी कामयाबी हमेशा इस आवाम से थी और इस आवाम की दुआओं से ही रहेगी। हमने तय किया है कि ग़ियास बेग हमारे शाही खजाने के दीवान बने रहेंगे। जनाब अबुल हसन को मुगल सल्तनत का नया बख्शी करार दिया जाता है। वीर सिंह देव, हमारे साथ वफादारी के लिए आपका मनसब चार गुना बढ़ाया जाता है। मियां मंजू, हमारे पुराने मददगार को हम अशरफियों और जवाहरात के तोहफों से लाद देना चाहते हैं। शुक्रिया हुजूर, लेकिन हमारे हाकिम मलिक अंबर ने आपसे एक खास हीरे की मांग की थी। मलिक अंबर से कहिएगा कि हम उनकी तहे दिल से कदर करते हैं, लेकिन कोहिनूर पुश्तों से मुगल सल्तनत की ताकत की निशानी रहा है, कोहिनूर तो हम उन्हें नहीं दे सकते। महाबत खान, मुगल सल्तनत के नए वजीर आजम बनाए जाते हैं। जनाब कोका, हमारी मुगल फौज के नए सिपह सलार बनाए जाते हैं।
अब जहां पना सजाएं मुकर्रर करेंगे। अभी भी वक्त है, बादशाह से माफी मांग लीजिए, जान बख्श दी जाएगी। तुम फिर बच निकले, किसी एक खेमे के साथ वफादारी निभाने का जज्बा तुम्हें नहीं है। इसी तेवर की वजह से आप हमेशा मुश्किलों में पड़ते हैं। याद रखिए कि शहजादा सलीम अब बादशाह जहांगीर बन चुका है। उसके सामने गिड़गिड़ाइए, उसे आपको पूरे दरबार के सामने माफ करने के लिए मजबूर कीजिए। हम भीख मांगने वालों में से नहीं है। अपना गुस्सा जरा कम कीजिए, वो वैसे भी आपको मारकर हमारी बहन के साथ निकाह करने की कोशिश करेंगे, क्या आप ऐसा होने देंगे? अक्ल लगाइए और माफी मांगिए। सजा सुनाने का वक्त आ चुका है। इन तमाम नाफरमानों के लिए बादशाह ने मौत की सजा मुकर्रर की है। अली कुली खान हाजिर हो। अली कुली, क्या आप कोई दलील देना चाहते हैं, कुछ अर्ज करना चाहते हैं आप? जी नहीं, हमें कुछ नहीं कहना। कहने सुनने का दिन तो आज आपका है, जो सजा देनी है दे डालो। आप हमें जंग के बीच में छोड़कर चले आए थे, यही नहीं, आप हमारे दुश्मनों से भी जा मिले। बादशाह जहांगीर, हम आपकी नजर में गद्दार हैं और आप हमें मौत की सजा देने के लिए बेताब हो रहे हैं। दे दीजिए। आप चाहे कुछ भी कह लें अली कुली, लेकिन हम आपका हम पर किया गया एहसान कभी नहीं भुला सकते। आपने हमारी जान बचाई थी और इसलिए हम आपकी जान नहीं ले सकते। अली कुली को सजा के तौर पर बुर्दवान भेजा जाता है, वहां पे उन्हें खुद को बदलने का मौका मिलेगा। आप वहां पे सरहद की वफादारी से हिफाजत करेंगे। तखलिया। सिंह खाने खनन हाजिर हो। राजा मान सिंह, हमें आप पर तरस आ रहा है। सालों तक आपने हमारे अब्बू के साथ मिलकर इस सल्तनत की हिफाजत की, इस सल्तनत को बुलंद करने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपने हमें भी बहुत कुछ सिखाया, लेकिन खुद दूसरी राह बह गए। आपके तमाम ओहदों और मनसबों को बर्खास्त किया जाता है और आपको मगध भेजा जाता है। खाने खाना, आप भी हमारे अब्बू के बहुत अजीज थे। हमें लग रहा है हमारे अब्बू की नजर हम पे अभी भी है, इसलिए आपको सजा देकर हम उन्हें और गम नहीं पहुंचाना चाहते। आपको राजपूताना भेजा जाता है, जहां आप मेवाड़ की कार्रवाई देखें।
खुसरो को बुलाया जाए। शहजादे को जंजीरों से फौरन आजाद किया जाए। कहिए, आपके हिसाब से आपकी सजा क्या होनी चाहिए शहजादे? फर्ज कीजिए कि आप जहां पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं और हम शहजादे सलीम, और हमें यहां आपको जहर देकर मारने के जुर्म में लाया गया है। अब आप तय कीजिए कि हमें क्या सजा मिलनी चाहिए। ये तो अल्लाह मियां को प्यारा हो गया। हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं, और इससे पहले कि हम आपको सजा सुनाएं, हम सारे दरबार के सामने एक बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपसे ईमानदारी का वादा किया था। आपके दिल में जो हमारे लिए जहर है, शायद हम उसके हकदार हैं, और क्योंकि हमने आपको जख्म दिए तो सजा भी हम ही भुगतेंगे। हम आपको अपनी आंखों के सामने जिंदा रखना चाहते हैं। ताकि हर बीतते पल के साथ हमें आपका डर लगा रहे। आपको 1000 रुपए की तनख्वाह पर नजरबंद किया जाता है। आपको हमारी भी उम्र देते बादशाह। बाकी के फैसले हम कल सुनाएंगे। हम अपनी पाशा बेगम से मिलने जा रहे हैं। रुकैया बेगम से भी मिल लीजिए, वो इस समय अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हैं। आप तो बहुत खुश होंगे, जैसा आपने कहा था आपके शौहर को बख्श दिया है, आपकी तो दुनिया आबाद हो चुकी है। जहां पना, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अगर हमारे शौहर गुनहगार भी होते इस, ये सब हम पहले सुन चुके हैं। खुदा हाफिज़। कुछ लाएं आपके लिए? आप क्या लेंगे? कुछ नहीं। आज आप दरबार में क्यों नहीं आए थे? क्योंकि हम रुकैया बेगम के साथ थे। हमारी जिंदगी का फैसला लिया जा रहा था, वो आपके लिए मायने नहीं रखता। रखता है, लेकिन हम उस फैसले को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आपके भाई ने हमें बताया कि जहांगीर हमें मारकर आपसे निकाह करने के बारे में सोच रहे थे, और उसकी खबर हमेशा दुरुस्त होती है। मगर हमें तो आप रिहा हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, रिहा तो हुए हैं, लेकिन हमें सजा के तौर पर बुर्दवां रवाना किया जा रहा है।
कितने वक्त के लिए? जब तक हम सुधर नहीं जाते। हमें तो जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो हमारी जान बख्श देगा। हम पर रहम करने का फैसला उसने क्यों लिया? खुदा जाने। Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.